हेलो प्रणाम और पहला का आप सभी को मेरा। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से, और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे खेत में। वहाँ पे ना परसों पापा ने गोभी लगा रखी थी, तो वहाँ पे पानी डालना है। तो चलो चलते हैं और आपको भी दिखाती हूँ पापा जी ने कितनी मस्त गोभी की जो है वो क्यारी बना रखी है घर के। तो चलो चलते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग आए हैं नीचे वाले खेत में, जहाँ पे पापा जी ने ना पत्ता गोभी या फूल गोभी शायद से लगाई थी। कौन सी गोभी है? पत्ता गोभी लगाई थी, तो इसमें डालना है पानी। तो चलो ये डाल रही हैं। यहाँ पे देखो ड्रम में पूरा पानी भरा हुआ है। नाम से डालना पड़ता है ना मेन। अभी ना बहुत छोटे छोटे से पेड़ हैं, तो इनमें पानी जो है वो बहुत आराम आराम से डालना पड़ता है। तो इसलिए देखो कितना प्यारा लग रहा है, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है खेत। ये देखो कितने प्यारे पेड़ लग रहे हैं और खेत कितना प्यारा लग रहा है। तो मस्त तरीके से लगाया ना बाबा जी ने, और इनमें जा रहा है पानी। देखो ऐसे डालना पड़ता है, घुमा के गोल करके डालना पड़ता है। अच्छा, साइड से ना पूरी मिट्टी सूखी है और बीच में ही बस गीली है, तो इसलिए बड़ा क्यूट सा लग रहा है। पापा का काम इतना नीट एंड क्लीन होता है ना। देखो पापा ने पहले जो एक क्यारी जैसी बनाई है ना, उसी के अंदर पौधे को डाल के पानी भी उतने में ही गया है। देखो साइड से पूरा एकदम साफ है, तभी तो प्यारा लग रहा है। हमें ना मतलब बाहर से सब्जी दाल ये चीज़ें बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि हम लें, वरना तो सारी चीज़ें हमें घर पर ही मिल जाती। क्योंकि आपने देख ही लिया होगा मेरे ब्लॉग के थ्रू कि हमारे घर में लगभग लगभग सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो सब्जियां हों, हरी सब्जियां हों, या फिर कोई भी चीज़ें हों, मतलब तो मस्त मज़ा आता है। रीज़न ये है कि मम्मी पापा ना सारी चीज़ें लगाए रहते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो, जैसे मतलब आपको दिखाई है सारी चीज़ें ब्लॉग में मैंने, तिल दालें हो गई अलग अलग टाइप की, मतलब 5-6 टाइप की तो मैंने आपको दिखाई थी, बाकी कितनी सारी तो राजमा ही थी 5-6 टाइप की। अच्छा, और उसके अलावा जो वो सूट थे और बहुत अलग अलग टाइप की दालें थी, और बाकी हरी सब्जियां, मूली और बैंगन, करेले, तुरई, मूली और पत्ता गोभी, फूल गोभी है, भिंडी, लौकी, हाँ भिंडी, लौकी, ब्रोकली, कद्दू, मतलब कोई भी सब्जी ऐसी, कोई शायद ही कोई ऐसी सब्जी होगी जो नहीं लगाते होंगे पापा जी मम्मी जी लोग, वरना तो सारी सब्जी लगती है यहाँ पे। तो मस्त, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं मतलब। और यहाँ का वेदर प्लस यहाँ की मिट्टी भी अच्छी है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें यहाँ पे लगी जाती हैं लगभग लगभग, तो इसलिए हाँ। और पानी की भी बिल्कुल कमी नहीं है, मतलब देखने में बहुत ईजी लगता है ना, और लेकिन ये इसमें बहुत मेहनत लगती है। पहले उसे लगाओ, फिर उसमें प्रॉपर उसकी गुड़ाई करो, और उसमें खाद डालो, पानी डालो, है भी खुद उगाते हैं ना। हाँ, बाकी इनमें ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। गुड़ाई पहले उन्हें मतलब उसका बीज बनाओ, सबसे पहले बीज बनाओ, उसके बाद फिर उसको लगाओ। पहले वो सीधे खेत, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे खेत में नहीं लगती हैं, पहले उनकी ना क्यारी जैसी बनानी पड़ती है, छोटी छोटी, जैसे प्याज की यहाँ पे बना रखी है ये, आपको अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे बना रखी है प्याज की क्यारी, तो पहले उसका अलग से छोटा सा अलग मतलब अलग से प्याज लगाते हैं, उसके बाद फिर वो खेत में लगता है। पत्ता गोभी भी और फूल गोभी वगैरह, इन सबको ना खेत में लगाने से पहले एक छोटी सी जगह में लगाते हैं, जहाँ पे एक साथ बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, तो फिर उसके बाद वहाँ से निकाल के ये आते हैं खेत में, ठीक है। और प्रॉपर उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है, उसमें पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, उसके बाद जब वो हो जाता है तो उसको सुखाओ। जैसे दालें वगैरह हैं वो सुखाने के लिए डाल रखी है ना अभी, तो दाल सुखानी पड़ती है। मेरा मुँह ना थक गया बोलते बोलते, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है और बहुत सारी प्रोसेस होती है, एक ही नहीं होता, मतलब बहुत सारा टाइम भी लगता है प्लस। और आजकल असहज है, तो असहज में ही सारी चीज़ें लगभग लगभग सब चीज़ें मतलब ज़्यादातर असहज में ही होता है, तो इस वजह से असहज के टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। देखो मेरे को कितना नॉलेज हो गया खेतों का और मतलब सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हो गया। मुझे कुछ भी नहीं पता था पहले से, लेकिन अब मुझे बहुत चीज़ें पता चल गया। असहज मुझे लगता था क्या होता है असहज में इतना बिजी क्यों रहते हैं लोग, और असहज क्यों बोलते हैं करके, अब पता चल रहा है असहज है मतलब कि असल में बहुत सारा काम होता है और बहुत सारी चीज़ें, दाल वगैरह हर टाइप की जो दालें होती हैं वो इसी टाइम पर होती हैं, जो कि बन जाती है मतलब, है हाँ, जो कि हो जाती है। और असहज में बहुत सारा घास काटना पड़ता है गाय भैंसों के लिए प्लस बकरियों के लिए,
जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि उधर साइड को जो धार साइड है ना वहाँ को मैं पूरा घास काटने के बाद जो अभी ठंडियाँ आएंगी ना पूरी ठंडियों में फिर वही घास गाय भैंसों को और बकरियों को वही घास खिलाते हैं, तो इसलिए शौच में इतना सारा काम होता है। समझ में आया? तो देखो कितनी सारी चीज़ें होती है और शौच में मेरे को कितनी चीज़ें पता चल गई। और तो इसमें ना पूरे में प्याज के बीज लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो ये बस छोटा सा पोर्शन है, यहाँ पे पूरे बीज लगे हैं और इसके ऊपर से इसको ढकने के लिए चीड़ के पत्तों को इस तरह से रखा हुआ है ताकि जो बीज है वो ऊपर ना आए और इसमें नमी बनी रहे करके, तो इस तरह से। और जब ये छोटा छोटा हो जाएगा ना तो फिर ये जाएगा मेन बड़े खेत में और फिर इसकी गुड़ाई, उसमें खाद देना प्रॉपर, बहुत सारी मेहनत होती है तब जाके प्याज बनता है। फिलहाल हम लोग आए हैं यहाँ पे गोभी के खेत में जहाँ पे गोभी लगाई है, यहाँ पे पानी देने के लिए। और अभी देखो शाम को मौसम, तो कुछ कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें तो मुझे भी पता चल गया, कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं पता है वो मुझे पीछे से थोड़ा बहुत जितना इनको पता है ये भी बताते रहे, लेकिन पापा जी को तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत चीज़ें पापा जी को पता है। जब पापा जी होंगे ना तो पापा जी से और चीज़ें पूछ के फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और मुझे भी पता चल जाएंगी साथ ही साथ। चाचा जी यहाँ पे आपने कौन सी गोभी लगा रखी है? ये बंद गोभी है ये भी? अच्छा हाँ, तो चाचा जी लोगों ने ना बंद गोभी और फूल गोभी दोनों लगा रखी है। जो देखो चाचा जी भी आ गए हैं। तो चाचा जी भी आ गए हैं पानी डालने के लिए, अभी चाचा जी डालेंगे इधर खेतों में पानी। साइड ना सारी चीज़ें ही होती हैं तो सभी लोग बहुत मेहनती हैं, सभी चीज़ें लगाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं तभी जाके होती हैं ये सब चीज़ें। तो देखो हमने सारा यहाँ पे पानी भी डाल दिया है, अब चलते हैं ऊपर। तो गाइस नीचे खेत में पानी वानी डाल के भी आ गए हम लोग। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे करती हूँ मैं एंड, और होप करती हूँ कि पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।